हेलो फ्रेंड्स एट होम एंजॉइंग फूड नो ऑर्डरिंग ऑफ फूड सो नो केटरिंग ऑफ फूड तो एवरी थिंग इज़ क्लोज द फूड इंडस्ट्री इज़ क्लोज द केटरिंग सर्विसेज आर क्लोज स्टिल वील बी स्टडींग इट इन द वीडियो टूडे वील बी डीलिंग विद द वर्ड केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट वॉट विल बी कवरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केटरिंग एंड फूड सर्विसिज एंड द टाइप्स ऑफ सर्विसज विच आर यूज इन द इंडस्ट्री हम दोनों देखेंगे कितनी तरह की केटरिंग होती है और कौन कौन सी सर्विसेज इन्वॉल्व होती है ओके लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू द फूड सप्लाई वाई डू वी नीड दिस सप्लाई ऑफ फूड वी ऑल हैव फूड एट होम अब यहाँ पर इमेजिन करो दैट वी आर गोइंग आउट फॉर अ ट्रिप वी शुड भी हैविंग वेकेशन वी कूड हैव गॉन बट अब तो नहीं जाएंगे तो so, जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर इज फूड बोथ लाइक दिस विच इज़ प्रिपेयर एंड पैक्ड फूड ये दोनों हमें चाहिए घर से बाहर निकलते हुए जाते पे भी हम बिस्किट वगैरह ले जाते हैं और रास्ते भर खाते हुए जाते हैं देन वी नीड टू लॉज इन जहाँ पर हम रहते हैं होटल एंड होटल वो भी वहाँ पर आपको फूड देगा यू हैव पार्टीज पार्टीज इट्स ऑलवेज विद फूड यू गो टू अ टेम्पल टेम्पल में ऑल्सो यू गेट फूड प्रसाद प्रसाद इज़ ऑल्सो अ फूड तो आपकी लाइफ का कोई भी यू डोंट फाइंड एन एक्सपेक्ट जहाँ पर आपको फूड नहीं चाहिए सो यू नो नीड फूड एवरीवेयर दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू फूड सप्लाई व्हाट वी नीड इज टेस्टी हाइजीनिक हेल्दी एंड एस्थेटिकली सर्व फूड एज सुन एज वी मूव आउट ऑफ अर houses now what is catering the first thing we need to know is what is catering catering is when we provide food service to somebody else it is known as catering service some individuals or group they prepare food and send them to people who are working to their homes to their offices if both husband and wife are working to their homes sometimes old people are there इल पीपल आर देर हो कैन नॉट कुक डे डोंट हैव द मीन्स टू कुक तो वहाँ पर भी हम खाना प्रोवाइड कर देते हैं डिलीवरी ऑफ होम मेड मील्स टू डिफरेंट प्लेस मोबाइल यूनिट्स भी हैं यू कैन फाइंड मोबाइल वैन्स वगैरह ऑन द रोड साइड विच आर सर्विंग फूड कम्यूनिटी सर्विस फेयर्स एक्जिबिशन यहाँ पर भी आप जब भी जाते होगे खाना खा कर ही आते हो देर ऑल्सो यू हैव केटरिंग लंचज़ में भी सर्व एट सम मीटिंग कॉन्फ्रेंसिस सिंपोजियम सेमिनार्ज फूड सर्विस मैनेजमेंट इंडस्ट्री ये बहुत सारी लेडीज़ भी चलाती हैं

सेकेंडली वी आर इन इंडिया आर ट्रेडिशनल फूड इज़ इंडियन फूड तो हमारे को इंडिया में सबसे ज़्यादा वेनेवर यू गो आउट यू विल फाइंड ट्रेडिशनल इंडियन फूड सो दिस इज़ आर ट्रेडिशन एंड कल्चर रिलीजियस प्रैक्टिसज अभी जैसे ईद आ रही है रमजान चल रहा है या फिर नवरात्रे आते हैं वी फील दैट वी वोंट भी ईटिंग आउटसाइड बाई इट्स ऑन फास्ट और फास्ट में हम बाहर नहीं खाते सो दीज आर ऑल रिलीजियस प्रैक्टिसज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल डेवलपमेंट दे गो हैंड इन हैंड एंड इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से फूड इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी हाई प्लेस स्पीड इतने डेवलपमेंट्स हैं और यू कैन नाउ केटर टू मास मास ऑडियंस मास पीपल नंबर ऑफ पीपल हु कैन ईट द फूड एंड इट कैन बी वेरी इजिली प्रिपेयर्ड आपके पास नई नई मशीन्स हैं आपके पास मास प्रोडक्शन देखिए जूसेस आपके पास आ रहे हैं एवरी थिंग इज़ पैकेज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यू फाइंड एवरी थिंग देर द मार्केट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आजकल लोग बाहर खाना भी चाहते हैं और वे नहीं सोचते हम पैसा वेस्ट करें दे आर रेडी टू गो आउट और ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है हमें इतने सारी तरह के क्विजींस पता चल गए हैं एंड द पीपल आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट दे आर रेडी टू ट्राई द क्विज़ीन्स ऑफ अदर कंट्रीज़ वॉट आर क्विज़ीन्स जो हम डिशेस बनाते हैं जो उनकी रेसिपी हैं तो हम ये नहीं है कि सिर्फ इंडियन खाएंगे वी कैन गो इन फॉर इटालियन चाइनीज़ जैपनीज़ मैक्सिकन कॉन्टीनेंटल यू नेम इट एंड यू हैव इट इन योर कंट्री ये क्यों हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें हर कंट्री का फ्लेवर पता चला है एंड पीपल आर ऑल रेडी टू एक्सपेरिमेंट नाउ फर्स्ट द बेसिक कंसेप्ट विच विल बी डीलिंग विद इन दिस लेसन ये कंसेप्ट हमें पता होंगे तभी हम उसको आगे कर पाएंगे सो वॉट आर द कंसेप्ट द फर्स्ट इज फूड सर्विस इंडस्ट्री वॉट इज फूड सर्विस इंडस्ट्री इट इज़ लार्ज इट इज़ द इंडस्ट्री एज सच एंड इन इट इनकम पासिज एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फूड बेवरेज प्रेपरेशन आउटसाइड होम अगर हम घर से बाहर कुछ भी बना रहे हैं तो दिस इज़ फूड सर्विस इंडस्ट्री यू कैन सी इन दिस पिक्चर द लेडीज सर्विंग दिस इज़ फूड सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पर भी खाना दिया जा रहा है दिस इज़ ऑल्सो फूड सर्विस इंडस्ट्री एंड दीज आर द वेरियस डिपार्टमेंट्स ये जो है एक्सपेरिमेंट एक्सपेंसिव होटल्स भी हो सकते हैं रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं फास्ट फूड सर्विसज भी एनी थिंग एनी वेर 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 एवर यू आर सर्विंग फूड विच हैज़ बीन नॉट प्रिपेयर एट योर होम फूड सर्विस मैनेजमेंट क्या है इस पूरी सर्विस को मैनेज करना दैट इज़ फूड सर्विस मैनेजमेंट आपने खाना बनाया है उसे हम सर्व कैसे कर रहे हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिस इज़ फूड सर्विस मैनेजमेंट जैसे टेबल सेट है यू कैन सी हाउ वेल इट इज़ बीन ऑर्गेनाइज हाउ एस्थेटिकली तो जैसे जैसे हमारा लेवल ज़्यादा होगा एक्सपेंसिव होगा वैसे वैसे द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मैनेजमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड वॉट डज इट एम एट सेटिसफैक्ट्री एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे इट नीड्स अ प्रोफेशनल अप्रोच फूड सर्विस फूड सर्विस क्या है प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस ऑफ मेकिंग और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सर्वड प्रिपेयर्ड फूड जो खाना है उसको सर्व करना हेयर मोर इम्पोर्टेंट इज सर्विस तो जैसे आपके स्विगी हैं जोमैटो हैं हेयर ऑल्सो दिस लेडीज सर्विंग दिस इज ऑल द फूड सर्विस एरिया इट सप्लाइज पैलेटेबल फूड विच हैड बीन प्रिपेयर पहले बना हुआ था एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स और ये एस्थेटिकली सर्वड है और कॉस्ट पर हम उसे दे देते हैं एट फूड सर्विस मैनेजर दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क हु इज दिस दिस इज द पर्सन हु मैनेजेस फूड सर्विस नाउ लास्ट इज मेन्यू कंपाइलिंग बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाई बिकॉज इट डिटर्मिन्स द इन्ग्रेडियंट्स विच यू रिक्वायर टाइप इक्विपमेंट कैसा चाहिए लोग कितने चाहिए किस तरह का है इफ़ यू आर मेकिंग जापानीज, यू नीड डिफरेंट इक्विपमेंट अगर आप चाइनीज बना रहे हो यू नीड अ वॉक इंडियन बना रहे हो यू नीड स्पाइसिसज एंड सो वुड द मैन पावर ऑल्सो चेंज तो यू रिक्वायरमेंट्स वुड भी डीलिंग विद्यू विच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इन योर आउटलेट नाउ लेट्स डील विद द सोशल एंड इकनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसिज़

इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट अगर होता है तो हो जाए बट इट इज़ नॉट द मेन एम एग्जाम्पल्स क्या हैं जैसे गवर्नमेंट की स्कीम चलती है मिड डे मील सप्लीमेंट्री फीडिंग या फिर इंडस्ट्रीज में भी है जो इंडस्ट्रीज़ अपने वर्कर्स को खाना देती हैं दैट इज़ इंडस्ट्रियल केटरिंग हेर द वर्कर्स रिसीव फ्री फूड या फिर सब्सिडाइज प्राइस पर मिलता है द रेस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाई द कंपनी वाई बिकॉज दे फील अगर लोग खा के बैठेंगे इफ़ देर आर एपिटाइट्स आर फुल दे विल बी प्रोड्यूसिंग बेटर और केटर्स को दे हैव लिमिटेड बजट तो कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं है एंड दिस इज नॉट ओपन टू द पब्लिक इट्स नॉट दैट एनी बडी कैन गो एंड हैव फूड कमर्शियल सर्विसेज इसका पर्पस क्या है लोगों को खाना देना सेल करना बोथ फूड एंड बेवरेज एंड द एम इज़ टू मेक प्रॉफिट और वो जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं एंड दे ऑल्सो सप्लाई टू द नीड्स ऑफ देयर कंज्यूमर्स इसका एडवांटेज क्या है

नाउ दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सर्विसेज़ यहाँ पे एक बार देख लेना दिस इज फ्रॉम द बुक वेलफेयर केटरिंग में क्या क्या आता है यू हैव मिड डे मील्स स्कूल फूड सर्विसेज इंडस्ट्रियल कैंटीस इंस्टीट्यूशन्स अगर कॉलेजेस में जो होती हैं ऑर्फनेज़ धर्मशाला लंगर प्रसाद एसकॉन वगैरह जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एन जी ओज क्रैच में प्रोवाइड किया जाता है सप्लीमेंट्री जैसे मिड डे मील्स और आई सी डी एस सी हमने पिछले उसमें किया था पब्लिक न्यूट्रिशन में इफ़ यू हैव नॉट सीन दीडियो यू कैन गो बैक एंड वॉच इट और कमर्शियल में क्या आएगा लार्ज होटेल्स रेस्टोरेंट्स, ढाबा महंगे हो या सस्ते हों इफ़ देयर एम इज़ प्रॉफिट दीज कैन बी लग्जरी रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेस, हॉलीडे कैम्प फास्ट फूड जॉइंट कैफेज़ पिज्ज़ा आउटलेट्स इट बी चाइनीज सिनेमा हॉल्स वाइन बार्स मॉल्स थिएटर्स सी लैंड आपको अगर आप एयरपोर्ट पे हो तो वहाँ पे मिलेगा अगर आप यॉट पे हो वहाँ पे मिलेगा क्रूज़ uh, में भी मिलता है केटरिंग सेमिनार्स वर्कशॉप्स में इंडस्ट्रीज में भी केटरिंग होती है ये वाली नहीं है यहाँ पर तो लोगों को फ्री खाना दे रहे थे केटरिंग विथ प्रॉफिट चेन केटरिंग जैसे हल्दीराम वगैरह हो गया क्लब्स जिम खानाज में प्रोवाइड करना और मोबाइल केटरिंग जो वैन से प्रोवाइड करते हैं फूड सर्विस सिस्टम्स हमारे पास चार हैं हम इन्हें बाद में डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल कमिश्री रेडी प्रिपेयर्ड और असेंबली सर्विस ये हमारे पास चार हैं इनको हम आगे देखेंगे अभी फर्स्ट वील सी द स्टाइल्स एंड स्टैंडर्ड्स तो ये हम सबको पता है स्टाइल्स एंड स्टैंडर्ड्स कुछ होटल्स होते हैं जो सेवन और फाइव स्टार इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं ये आपको पिक्चर से दिख रहे हैं तीनों में डिफरेंसेस दिख रहा है ये जो है लग्जूरियस है एलिगेंट है इसमें आपको बहुत सुविधाएं मिलेंगी वेरी लॉ फैसिलिटीज वेराइटी ऑफ क्वजीं द रिसोर्स एंड दिल इट्स वेरी स्किलफुल हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड इक्विपमेंट यू नीड इक्विपमेंट यू नीड मशीनरी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज़ वेरी हाई और इसी के लिए इसके प्राइसिज़ आर वेरी हाई नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट और ये इंटरनेशनली फेमस भी होते हैं थ्री और फोर स्टार्स होटल कंपेयर टू दीज ये थोड़े नीचे होते हैं लेकिन फिर भी ये प्लेजेंट और चेयरफुल होते हैं इनमें बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आप देखो कबर्ड है अच्छे से एस्थेटिकली लगाया हुआ है फूड एंड सर्विसेज हाई और कॉस्ट जो है वो पीछे हुए सेवन स्टार से कम होती है लेस एक्सपेंसिव और इनको उतना स्किल्ड स्टाफ नहीं चाहिए दी स्मॉल रेस्टोरेंट्स और स्मॉल होटल्स बजट होटल्स

दोनों चीज़ें हो सकती हैं फिर टाइम स्पेंड कितना है खाना बनने में अगर बहुत टाइम बाद खाना सर्व होगा तो हम उसे फ्रीज़ करेंगे उसे स्टोर करेंगे ये हमें ध्यान रखना है उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमने किस तरह का फूड ख़रीदा है क्या हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा था या हमने फिनिश्ड खाना ख़रीदा है बना बनाया हमने मसाले वसाले सब ले कराए या हमने पूरी बनी बनाई डिश खरीदी है हमने किस तरह से हैंडल करा है जो हमारा प्रिपेयर्ड फूड है हम उसे पैक करके दे रहे हैं या हम उसे खुला दे रहे हैं एंड अमाउंट एंड काइंड ऑफ लेबर और इक्विपमेंट हमें कौन सा चाहिए इस सब पे डिपेंड करता है कि फूड सर्विस सिस्टम्स किस तरह के होंगे हमारे तो ये हमारे पास चार हैं सबसे पहला है कन्वेंशनल रेडी प्रिपेयर कमिश्री एंड असेंबली सर्विस सिस्टम तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल से विल बी डिस्कसिंग दैम इन डिटेल्स अब कन्वेंशनल इसमें आप देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देखो सारी डिशेस अरेंज्ड हैं यहीं पर खाना बना और यहीं पर सर्व हो गया तो इसका क्या मतलब है ये खाना कहाँ पर बनेगा ये जहाँ बनेगा वहीं पर सर्व होगा प्रिपेयर्ड इन द किचन ऑन द प्रेमस वेयर द फूड इज़ टू तो बी सर्व्ड सर्विंग इसको फूड इज़ इस हेल्ड हॉट और कोल्ड एंड सर्व एज सून एज पॉसिबल जैसा भी है भी आप देखो इसमें कोई हीटिंग के लिए या कूलिंग के लिए कुछ नहीं लगाए तो ये जैसे ही बना वैसे ही सर्व हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ये डायरेक्टली हमारे पास एक डाइनिंग एरिया है हम बनाते हैं और वहीं पर सर्व कर देते हैं जैसे कैफेटेरियाज में होता है रेस्टोरेंट डाइनिंग हॉल या हम ट्रे पर ले जाते हैं हॉस्पिटल्स में भी यही होता है स्कूल की कैंटीन में भी ऐसे ही होता है कैफेटेरियाज़ में भी ऐसे होता है वहीं पर आपको खाना बनता है और वहीं मिल जाता है इसका एडवांटेज क्या है कि हम सीजनल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं जो इंडिविजुअल लोग आ रहे हैं हम उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपना खाना वेरी कर सकते हैं इसमें क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वहीं बना रहे हैं और वहीं सर्व कर रहे हैं और मेन्यू में बहुत फ्लेक्सीबिलिटी है डिपेंडिंग अपॉन द इंग्रेडिएंट्स दैट वी हैव द डिमांड दैट वी हैव वी कैन ऑलवेज चेंज द मेन्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर मिनिमम क्योंकि हमें वहीं बनाना है एंड वहीं पर सर्व करना है

इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेवरल रिमोट एरियाज ये बनेगा तो एक ही जगह लेकिन फिर हम उसे अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूजिंग टेक्नोलॉजी उसको हम फ्रीज करेंगे या उसे हम पैक कर देंगे टेट्रा पैक्स में डाल देंगे सेटअप फूड प्रोडक्शन सेंटर और सर्विस एरिया हमें दोनों चाहिए और दोनों अलग अलग होगा डिस्ट्रीब्यूशन फूड इज़ सप्लाइड टू वेरियस आउटलेट्स जैसे इसका एग्जाम्पल लें कैफ़े कॉफी डे उनके पास ये सब चीज़ें रेडी है अब जो आप मांगोगे वो उसके ऊपर आपको सर्विंग करके दे देंगी तो एज सुन एज द कस्टमर ऑर्डर्स मिल्क शेक इफ़ यू आर एन कैफे कॉफी डे एवरीथिंग इज प्रिपेयर दे जस्ट हैव टू एड द इंग्रेडिएंट्स एंड द टॉपिंग्स एंड गिव इट टू यू अब इसके एडवांटेज क्या है दैट ऑल इंग्रेडिएंट्स दे कैन बी परचेज इन बल्क सस्ता पड़ेगा इसमें यू डोंट नीड एनी एक सेपरेट इक्विपमेंट और पर्सनल टू कुक के लिए नहीं चाहिए बिकॉज यू ओनली हैव टू सर्व यूनिफॉर्मिटी इन क्वालिटी बिकॉज एवरी थिंग हैज़ बीन सेंट्रली प्रिपेयर सो देर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वालिटी एंड इट इज कॉस्ट इफेक्टिव वाई बिकॉज़ यू डोंट नीड एनी स्किल्ड लेबर लेकिन इसका डिसएडवाटेज क्या प्रोडक्शन टाइम में आपको बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए और इसके एग्जाम्पल्स जैसे कॉफी कैफे कॉफी डे बारेस्ता यहाँ बना हुआ आता या मैगडी भी आप ले लो मेकडॉनल्ड्स में आपके पास सब बना हुआ है वो आपको डिप करेगा जैसा आप मांगो और आपको दे देगा अब हम आते हैं रेडी प्रिपेयर्ड फ़ूड जैसे मैकेस है एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है इसमें क्या होगा कि द फूड आइटम्स आर प्रिपेयर वेल इन एडवांस बिफोर टाइम ऑफ सर्विस एंड वी कीप दैम फ्रोजन एंड दे आर टू बी सर्व्ड हम उन्हें वहीं पर रखते हैं और जब उन्हें सर्व करना होता है तब हम उन्हें बाहर निकाल के फ्री जो भी हमें करना है बेक करना है या हमें उसे ग्रिल करना है जो करना है हम उसे कर लेंगे ये ज़्यादातर लार्ज सिटीज़ में मिलता है लेकिन अब जो है ये सब जगह अवेलेबल है और भी बहुत छोटी जगहों पर हॉस्पिटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी बहुत चेंज होता है इसके एग्जांपल फ्रोजन पराठा समोसा तो सब कुछ आ रहा है कटलेट वगैरह एडवांटेज इसमें अनइवन और स्ट्रेसफुल वर्कलोड नहीं होता अगर आपके पास सौ लोग आने हैं आप पैकेट्स लेके आ जाओ आपको सिर्फ फ्राई करके सर्व करना है लो कॉस्ट है और वर्कर्स नहीं चाहिए बिकॉज एवरी हैज़ बीन फ्रोजन एंड प्री प्रिपेयर्ड मेंटेनेंस इजी है और मेन्यू पोर्शन फिक्स्ड है हमें पता है कि हमारे पास इतना ही है वील बी मैनेजिंग इट डिसएडवांटेज आपको इसमें फ्रीजिंग के लिए बहुत इक्विपमेंट चाहिए और खाने को बहुत ध्यान से रखना है मान लीजिए इफ़ यू टेक आउट दीज पैकेट्स एंड कीप दैम आउटसाइड देन वॉट विल हैपन इट विल गेट इट विल डिके तो इसकी वजह से रॉटिंग रोकने के लिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड द लास्ट इज असेंबली सर्विस सिस्टम वॉट इज असेंबली सर्विस सिस्टम यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है आपको फुली प्रिपेयर्ड फूड आप खरीदते हो मैन्यूफैक्चर से और फिर आप उसे आगे सप्लाई कर देते हो सिर्फ फिनिशिंग की जाती है सिर्फ जैसे थॉइंग कर दी रीहीटिंग कर दी आपने सिर्फ उसकी सीजनिंग करनी है थॉइंग का मतलब उसका जैसे हम फ्रीजिंग निकालते हैं जो उसके अंदर बर्फ़ जम जाती है डिस्ट्रीब्यूशन द मैन्युफैक्चरिंग इस प्रोसेस इज एब्सोल्युटली सेपरेटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जैसे कि गोलगप्पे हैं उसमें पानी अलग है गोलगप्पे अलग हैं उसमें वो आपको मिक्स करके दे देगा भेल पूड़ी है या अब बहुत सारे जो आउटलेट्स हैं उनमें सब कुछ रेडीमेड आता है आप जूसेस वगैरह भी ले रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो रेडीमेड एडवांटेज नो कुकिंग नो अन इवन नो स्ट्रेसफुल वर्क बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बीन प्रीप्रिपेयर्ड उसके बाद क्वालिटी आप क्वालिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड क्वान्टिटी भी दैट इज़ यू नो एक एक गोलगप्पे की प्लेट में आपको पाँच देने हैं तो आपको पाँच ही देने हैं द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज सेपरेटेड फ्राम द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस और क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो एक का असर दूसरे पर नहीं पड़ता लिमिटेशन नंबर ऑफ प्रिपेयर आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं हो सकते बिकॉज यू मेड ऑल द प्रिपरेशंस अर्लियर सो इफ ऑन द लास्ट मोमेंट आई वॉन्ट सम चेंज इट्स नॉट पॉसिबल यू नीड वेरी लार्ज फ्रीजर्स एंड माइक्रोवेवंस फ्रीजर अगर आपको चिल करना है और अगर आपको उसको थॉ करना है कि उसको डीफ्रीज uh, करना है तो यू डी माइक्रोवेव सो हाई कंजम्शन ऑफ एनर्जी एंड यू ऑल्सो नीड टू मेक यूज ऑफ प्रेजरवेटिव अब जो भी व्यक्ति फूड सर्विस मैनेजर है या केटरर है व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट ही शुड हैव द फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजीरियल स्किल्स सक्सेसफुल पर्सनल डायरेक्शन तो ये मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा ही नॉट बी एबल टू गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ द बिजनेस उसको मेन्यू का पूरा नॉलेज होना चाहिए कौन सा फूड लेकर आना है कौन सा इक्विपमेंट चाहिए कितने लोगों की ज़रूरत है अगर इक्विपमेंट नहीं है और उसने स्टार्ट कर दिया तो भी नहीं होगा लोग कम हो गए या कम हो गए तो नुकसान है आपका काम धीरे होगा का और अगर ज़्यादा है तो इट इज़ वेस्टेज ऑफ मनी उसके बाद अप्रोप्रिएट वेस्ट मैनेजमेंट द वेस्ट विच इज यू नीड टू आपको उसको भी अलग करना होता है उसको सेट करना है कि उस वेस्ट का आप क्या करेंगे उसको डिस्पोज कैसे करेंगे इंश्योर सैनिटेशन एंड हाइजीन और ऑप्टिमम इट्स वेरी क्लियर सैनिटेशन का ध्यान रखेगा पूरा एंड द कॉस्ट सिस्टम ही हैज टू कंट्रोल इट सो दैट द बजट इज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल It is profitable. And wisely utilize the space. Jitna space hai, it should be made optimum use. Ki bad bhi or people who are going to eat and for preparation. There should be enough place. And the environment, it should be environment friendly. It should not harm the environment. Now one of the last topics, that is the menu. इट स्टिल इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यू कैन आइडेंटिफाई कि ये भी एक मेन्यू ही है जो मैंने आपको जिसपे बनाया द ओनली थिंग इज दट आई हैव चेंज द कंटेंट मेन्यू में क्या होता है यू हैव द थिंग्स विच यू हैव द नेम ऑफ द डिशेज एंड द प्राइज हेयर आई एम गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ द मेन्यू अ मेन्यू इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच द केटर और द फूड सर्विस यूनिट वट एवर द टाइप इट मे बी इन्फॉर्म्स द कस्टमर की वॉट ऑल फूड आर बी प्रिपेयर सो यू कम टू नो वॉट फूड इज़ बींग प्रिपेयर एंड देर प्राइस ऑल्सो ट्रांसलेटिंग द रिटन मेन्यू इंटू प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फूड इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फूड मैनेजर इसको क्या करना है देखना है कि मेन्यू में जो लिखा है इज दैट बींग ट्रांसलेटेड इंटू फूड वट एवर टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द मेन्यू शुड भी परफेक्ट एंड इट रिक्वायर्स मैनेजीरियल स्किल्स नाउ वट आर द पॉइंट्स विच शूड बी केपट्टिन माइंड वाइल डिजाइनिंग अ मेन्यू कार्ड इट शुड भी अट्रैक्टिव एंड वेल डिजाइन दैट समथिंग वेरी कॉमन क्योंकि ये भी एक एडवर्टाइजिंग है अगर आपको पेपर में भी आता है इफ़ यू गेट अ मेन्यू कार्ड इट्स एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रेस्टोरेंट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग नए नए तरह के आप नाम देखोगे कई बार गुलाब की है और लबाबदार एंड यू हैव सो मेनी इंटरेस्टिंग अकबरे शाह अकबरे पनीर और मल्टीपल थिंग्स इट्स वाई टू मेक इट इंटरेस्टिंग लेबर सेविंग होना चाहिए ऐसा ना हो कि आपका पेन्यू इतना एक्सपेंसिव हो जाए दैट इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट कॉस्ट लॉट इट नाउ डेज दे आर मोस्टली कंप्यूटराइज क्लाइमेट सीजन और अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडियंट्स को ध्यान रखिए जब भी आप मेन्यू डिसाइड करें कि क्या क्या बन रहा है जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी को बनाएं और प्राइस प्राइस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड अदरवाइज इट्स नॉट प्रॉफिटेबल किस टाइम पे बना रहे हो ब्रेकफास्ट के लिए अलग होगा स्नैक्स अलग लंच डिनर अलग 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 बनाएंगे हम अगर हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो हम स्नैक्स बनाएंगे डिनर में फुल कोर्स मेन कोर्स होगा टाइप्स ऑफ बेवरेजेस पीने के लिए क्या सर्व करेंगे रेपिटेशन तो नहीं है कलर्स और फ्लेवर्स का एक ही दिन अगर मान लीजिए आपने किसी पार्टी में सर्व किया और सारी आपने हरी सब्जियां दे दी तो इट्स रेपिटेशन ऑफ कलर्स सो यू नीड टू कीप माइंड न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन जहाँ पर भी आप सर्व कर रहे हो इनमेट्स का मतलब अगर कॉन्फ्रेंस में है सेमिनार में है कहीं आप ऑर्फनेज uh, में सर्व कर रहे हैं तो जो लोग रहते हैं उनकी चॉइसेस कैसी हैं द मेन्यू पैटर्न एंड द सीक्वेंस किस ऑर्डर में सर्व होगा फर्स्ट यू विल बी गिविंग द स्टार्टर्स देन द मेन कोर्स देन द स्वीट किस ऑर्डर में सर्व होना दिस इज इट नाउ द फंक्शन ऑफ़ द मेन्यू दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाई डू वी मेक अ मेन्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ मेकिंग अ मेन्यू इज कि कस्टमर को ये पता होता है कि वॉट ऑल इज़ अवेलेबल एंड द केटरिंग स्टाफ नोज वॉट ही हैज़ टू प्रिपेयर तो दोनों को अपने अपने काम पता है कस्टमर ऑल्सो एंड द केटरिंग स्टाफ ऑल्सो द एडवांटेजेस

कुकिंग हुई है और दोनों सेटिस्फाइड हैं बोथ द इम्प्लॉयज एंड द कस्टमर द कस्टमर इज गोइंग टू रिटर्न बैक टू हिम और वो वापस आएगा तो उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ओके आई होप द टॉपिक इज क्लियर यहाँ पर भी आपको केटरिंग दिख रही है इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री विथ एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन करियर तो इसी में आप भी लग सकते हो सी हाउ ब्यूटिफुल इट हैज़ बीन सर्वड वाइल वी आर एट होम वी नॉट इन्जॉय दिस स्टिल इन्जॉय द फूड दैट यू हैव प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू वॉन्ट और जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं प्लीज शेयर इट विद दैम द नॉलेज इज़ बेस्ट वेन इट शेयर वेन इट इज़ शेयर विद एवरीबडी हैव फन कीप हेल्दी स्टे हेल्दी इंजॉय योर फूड